for some techies shopping. Who's buying today? Daddy, woman. Usually मैं ही खरीदती हूँ ऐसी वैसी चीजें पर आज जो husband का दिन. And if there is any Robux, I will get it. I think husband gonna buy MacBook. चल आप तेरा gift card देखिए leave daddy alone. How you manage to play games everywhere? Oh, what game you playing? I'm playing Ninja Fruit. So daddy is doing some boring stuff. Mimi and Mama doing some interesting stuff. Look at my score, Mama. Hello, दोस्तों. So आज बहुत समय के बाद मैं husband और हिम्मत तीनों निकले हैं shopping करने के लिए. आज husband ने अपनी पहली बार टैकी shopping की. और अब हम जाने वाले हैं husband के other favorite store में, जो कि है Costco. और उसके बाद हिम्मत जाएगा अपने best friend के birthday में. So हिम्मत जाएगा अपने best friend के birthday में. He's not a best friend. सो हिम्मत जाएगा अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में. नहीं जाना फिर. ओके, हिम्मत नहीं जा रहा है बर्थडे पार्टी में. सो उसके बाद हिम्मत जाएगा अपने दोस्त के बर्थडे में. हिम्मत का प्लान था कि 7 घंटे वहाँ पे स्पेंड करने हैं, पर बिकॉज हमें कुछ और काम थे तो हिम्मत वहाँ पे स्पेंड कर पाएगा 3.5 घंटे, बट वो मोर देन इनफ है. उसने खूब सारे प्लान करके रखे हैं, शायद वो मूवी देख. पर उसके बाद हिम्मत घर पर आके मेरे साथ मूवी नाइट भी करेगा. एंड अब हम करेंगे थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग एंड दो चार और चीज़ें करेंगे. एंड उसके बाद घर जाके हस्बैंड के लिए मैं बनाने वाली हूँ हस्बैंड का फेवरेट न्यूट्री कुलचा. थैंक यू मम्मी. यस, एक्चुअली जब हिम्मत को कुछ भी बोल देना तो वो हमेशा लाइक हस्बैंड कुछ भी बता देना तो वो हमेशा पूछता है इज़ दैट ट्रू मम्मी, क्योंकि उसे सिर्फ मुझ पर विश्वास है, हस्बैंड पर नहीं है. बाय द वे गाइस, देखो कितना सोना नेकलेस पहना है मैंने. ये है मारिया नेकलेस, ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ज़रूर से खरीदें. इतनी ज़्यादा गुड क्वालिटी की ज्वेलरी है ना मेरी, बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको इतनी अच्छी गुड क्वालिटी की 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील पे वाटर रेजिस्टेंट एंड टार्निश रेजिस्टेंट ज्वेलरी मिल रही है. मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जाएँ और ख़रीद लें. और ये जो मेरे पीसेज हैं ना, ये टाइमलेस है, ये कभी लाइक इनका ट्रेंड कभी फिनिश नहीं होने वाला है. टाइमलेस ब्यूटीफुल पीसेज है, हर एक गर्ल के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए, मेरे जैसे हैं जो, या जो काम करते, कहीं पे पहन सकते हैं आपको लाइक ना एवरी डे. सो मैंने इस ज्वेलरी को 3-4 साल खुद से यूज़ करके बहुत रिसर्च करके बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट ढूंढा है आपके लिए, ताकि आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिले अच्छे प्राइस पे. क्योंकि ज्वेलरी है ना, जो एक्सेसरीज है, वो आपके आउटफिट को 0 से 100 कर देती है. हर एक के पास प्यारे प्यारे पीसेज होने चाहिए, पर इन्ने महंगे आंदे कि सारे लोग खरीद नहीं पाते. तो मेरा मोटिव है कि हर एक के पास प्यारी ज्वेलरी हो अच्छे रीजनेबल प्राइस में, ताकि आप अपनी कलेक्शन बना पाए एंड उसको लंबे समय तक पहन पाए, क्योंकि ये ख़राब नहीं होने वाली है. तो आपको मिलते हैं कॉस्को में, देखते हैं हस्बैंड क्या क्या खरीदेंगे. हस्बैंड को वैसे ना पूरा बैन है, वो अकेले कॉस्को नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ें लेके चल रहे हैं, अंदर डिपिंग सॉस फलाना क्रैकर धमकाना, इतना खरीदारी करते हैं जितना पता नहीं परचून की दुकान है इनकी. इनका कोविड में मना किया था, कोविड से उठे जाके पूरा फन कर दे रहे हैं. सो गाइस, वी आर गेटिंग दिस चिकन थिंग सैंपल्स. सैंपल्स What you testing, sir? This. What is it? It's some chicken tea. Korean life. Life. That's right. Mmm. So आज ना कॉस्को में बहुत ज़्यादा ही क्राउड है. हस्बैंड चलेंगे वाटरमेलन लेने के लिए. चल फ्रेश प्रोड्यूस चाहिए. Then we are done. That's like expire. 25 years. 25 years. ओके दोस्तों, मैंने सोचा था कि वीडियो बनाएंगे कॉस्को में, पर बना नहीं पाए, थोड़ी सी बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है. क्योंकि कल कनाडा डे था, कॉस्को क्लोज था, आज खुला है एंड बहुत रश थी. एंड थोड़ा बहुत सामान ले लिया है जल्दी जल्दी में, क्योंकि हिम्मत लेट हो जाएगा बर्थडे पार्टी में. एंड पानी पी लेना क्योंकि बहुत गर्मी है. Hi guys, today is my friend's birthday. Finally. You wanted to keep it a secret. Visa please. Picking stuff from dollar store. तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं. कैटल मैंने ऑन कर दी है, चाय का एक कप बनाते हैं. कल मैंने पिज्ज़ा बनाया था, वीडियो शूट नहीं की है, पर मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी उसकी वीडियो होगी पिज्ज़ा की.
सो उसकी एक एक स्लाइस मैंने और हस्बैंड ने खा ली है। एंड हिम्मत को जल्दी आके घर नहा के अच्छे सोने कपड़े पा के उसके दोस्त के घर छोड़ दिया है, उसको पिक करेंगे 7 o'clock। समय हुआ है अराउंड 4, सो मैं चाय पीऊँगी और उसके साथ साथ ग्रॉसरी को सेट करूँगी एंड ऑल्सो मैं कुक करना शुरू करूँगी न्यूट्री को। सो हस्बैंड ने बिजी अपने काम के साथ एंड वाटरमेलन को आते ही घर मैंने टेस्ट कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पर बहुत ज़्यादा जायंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइक पानी के साथ भरा हुआ है, बड़ा है एंड बहुत हैवी भी है। सो ग्रॉसरी को सेट करके आइए, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है क्योंकि हिम्मत को बहुत ज़्यादा जल्दी थी और वो कह रहा था कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, लेट कर देंगे आप लोग। हमने तामझाम किया है बहुत ही ज़्यादा, जो असेंशियल्स है वही लेके आए हैं। बाय द वे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, आजकल मैंने ना कायन पेपर खाना भी शुरू किया है क्योंकि ये बहुत अच्छी है इन्फ्लेमेशन के लिए और आपके स्टमक के इश्यूज़ के लिए एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है, हेल्प करता है उसमें एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन एज वेल। एंड जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रॉब्लम है एंड बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसके साथ। अभी मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, एक्चुअली इसका जो लूज़ वर्जन है उससे मैं अपने जोड़ों के दर्द के लिए एक ऑयल बनाने वाली हूँ, टेस्ट करूँगी कुछ देर मुझे कैसा लगता है, अगर मुझे अच्छा लगेगा सो फिर उसके ऐसे भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो आजकल मैं मेरे दिन शुरू करती हूँ वार्म हनी के पानी के साथ एंड उसके साथ मैं खाती हूँ वार्म हनी लेमन पानी के साथ, उसके साथ मैं खाती हूँ जिंजर टर्मरिक एंड कायन पेपर। टर्मरिक मैं हमेशा से ही खाती हूँ, कोई कोई दिन मैं स्किप कर देती हूँ, कोई बार मैं 2-3 खाती हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा मुझे ना इन्फ्लेमेशन फील होती है या लगता है जोड़ में बहुत दर्द है, ज़्यादा कर देती हूँ, या 3 चीज़ें मैं मिक्स करके खा रही हूँ। एंड जब मैं लेमन एंड हनी वाटर पीती हूँ, बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि हमें लेमन मना है, तुम लेमन कैसे पी सकती हो। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है और हर बंदे की बॉडी डिफरेंट फूड्स को लेके डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। किसी को लेमन अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, मतलब टेस्ट की वजह से नहीं, किसी की बॉडी एक्सेप्ट करती है किसी की नहीं। सो लेमन पीने से मुझे अच्छा लगता है एंड मैनू लगता है कि मेरी बॉडी चुस्त दुरुस्त फील करती है, आई रियली लाइक इट। पर हो सकता है कि आपके लिए वो अच्छा ना हो, अभी डॉक्टर डिसाइड नहीं करेंगे कि केड़ी चीज़ आप खाएं केड़ी ना खाएं, आपकी बॉडी आपको बता देती है। जैसे कई लोगों को पेपर नहीं सूट करता है, जैसे वो खाएंगे उनको हमेशा बर्फ में पेपर की स्मेल आती रहती है, ग्रीन पेपर, शिमला मिर्च, कैप्सिकम कि उनको डकार आते रहते खट्टे खट्टे और वो टेस्ट आता रहता है, दैट मीन आपके लिए नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब आपको आप खा के आपको पता चलेगा कि आपके लिए है या नहीं, कोई डिसाइड नहीं करेगा। सो लेमन मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ्रेश एंड एक्टिव फील कराता है एंड बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन खाती हूँ ना तो लेमन भी चाहिए क्योंकि जिंजर एंड हल्दी कितनी ज़्यादा ड्राई एंड गर्म होती है तो ये उसको काम करता है। वैसे भी मुझे विटामिन सी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और लेमन बेस्ट है उसके लिए। सो आप टेस्ट एंड ट्राई करें कि आज खा के आपको अगला दिन कैसा फील हुआ है, तो उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाएं। जब भी हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर स्टोर्स में मैं मेरे घर से बैग लेके जाती हूँ, प्लास्टिक को नोनो कहते हैं हम लोग, एंड या फिर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ कंटेनर, इसमें से हम सारा कुछ अपना इसमें डाल लेते हैं ताकि आपको बैग की ज़रूरत ना पड़े और इसको ना हैंडल करना भी काफ़ी आसान है। सो मैं लेके आई हूँ बहुत सारी पास्ता सॉस, ये ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत को भी। यह है सिंपली नेचुरल ऑर्गेनिक टमेटो एंड बेजल पास्ता सॉस और इसी सॉस को आप तड़का लगा के गार्लिक एंड इटालियन हर्ब्स एंड ऑर्गेनो आप पिज्ज़ा सॉस पे बना सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है अगर आपको जल्दी है ना। कल मैंने यही यूज़ की थी पिज्ज़ा के लिए। एंड क्यूकम्बर लेके आए हैं खूब सारे, बनाना एंड ऑर्गेनिक अंडे, पपाया भी लेके आए हैं पर ये बेचारा ना थोड़ा हरा है, पर इसको पेपर में लपेट के रखेंगे, बहुत अच्छा पीला हो जाएगा 2-3 दिन में, तो इसको हम पेंट्री में लुको के रख देते हैं पर चेताना बोल देते हैं अभी बेचारा उसी पे आ रहा है, सामने ही रखते हैं फिर। एंड खूब सारे लेमन, लेमन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सैलड पे, सुबह पानी भी पीना होता है एंड आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना और कैलगरी की गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है कि 20-25 में आप जलना शुरू हो जाते हैं, तो लेमनेड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हिम्मत को भी मुझे भी। मैं इंडियन स्टाइल बनाती हूँ, कम शुगर एंड तरह तरह के नमक ऐड करके, हिम्मत सब शुगर एंड लेमन पीता है। तो ये है एंड वाटरमेलन है एंड थोड़ी और चीज़ें लेके आई हूँ मैं, एंड दैट्स इट, ये हो गया खाली। और इसकी बेस्ट चीज़ है कि इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, अरे इसकी ऐड नहीं कर रही हूँ, मुझे लग रहा है हमने ये कॉस्को से लिया था, पर बहुत अच्छा है, हैंडी डैंडी। सो न्यूट्री के लिए ना 2 डिफरेंट पैक यूज़ करेंगे, एक तो ये करेंगे सोया मिनी चंक। ओके सो इस बार ना हम एक
मैंगो जूस भी लेके आए हैं। आई होप ये अच्छा होगा। एंड न्यूट्री के लिए मुझे लगता था कि मेरे पास बॉक्स है बड़े चंक्स वाला, एक्चुअली है, समय मुझे मिल गया। सो ये है पिक्की बॉक्स, ये ढूंढ के आती हूँ थोड़ा और। आई थिंक मुझे गलती लग रही है क्योंकि मैंने उस दिन सोयाबीन एंड करी बनाई थी ना, तब यूज कर। कल मैंने ब्राउनी बनाई थी पिज्जा के बाद। सबसे पहले हम स्नान न्यूट्री को बॉयल कर लेंगे। सो मेरे पास ये बेबी न्यूट्री है, इसी के साथ हम कम चलाएंगे। दोनों ही पैकेट खुले, नाइस वेरी नाइस। सो जब तक पानी बॉयल होता है पांडे कर लेते हैं। डिश वॉशर एम्प्टी, एक कप चाय के लिए रख लेते हैं, एक कप चाय। Don't tell me it's so hard. Don't tell me all your secrets, but don't just be showing off. I'm gonna tell the truth, it ain't that bad or good. Took L's and W's too. I'll be the last to start and the first to leave. Ooh, I'ma play the part convincingly. I got a lot on my mind, all my shit, I'm way behind. But if you check. So, पानी के बॉयल होते होते मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया। इसमें हम ऐड कर देंगे न्यूट्री थोड़ी सी। Yeah.
बाहर इतना ज़्यादा क्लाउडी हो गया ना, जितना वाला नहीं तूफान आने वाला, दिखाती हूँ आपको मैं। बाहर अचानक ही इतना ज़्यादा क्लाउडी हो गया ना कि अंधेरा लगना शुरू हो गया घर में। ये ना वेदर बहुत ज़्यादा अखंड करता है। सो हमारी न्यूट्री हो चुकी है तैयार। वैसे आप इसको जितना कुक करेंगे उतना स्वादिष्ट बनेगा, जैसे वो तवे पे कुक करते रहते हैं ना, पर इसका रंग बहुत सुंदर है और तैयार है। और अभी भी गैस चल रही है, इसको ढक देते हैं। और अब मैं सैलड तैयार करने वाली हूँ, इसमें हम सिर्फ अनियन का लच्छा खाएंगे। बहुत बार दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं कि मैंने इतना बारीक सैलड को कैसे काटा है। वैसे मेरे नाइफ स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपको पता है मैंने एडी पढ़ाई की थी, और मुझे नाइफ से काटना इसलिए आसान लगता है कि कुछ वॉश करने की ज़रूरत नहीं, नाइफ से करो एंड वाइप कर दो, सॉरी रिंस कर दो पानी के साथ। पर आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि ये एक बहुत प्यारा सा टूल है जो आपको आइकिया से मिल जाएगा। इससे इसमें 3-4 डिफरेंट सेटिंग्स हैं, मैं नंबर 3 यूज़ कर रही हूँ एंड स्लाइस कर ली। और स्पेशली ये मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे हस्बैंड को काम देना हो, क्योंकि उनको अगर सैलड काटने के लिए कहेंगे ना, बहुत ही बदसूरत काटते हैं, एंड मुझे बहुत मैटर करता है कि सैलड खूबसूरत एंड क्लीन दिखे। सो आई थिंक इतना बहुत है। एंड इसमें हम बेसिकली सिर्फ अनियन के लच्छे खाएंगे, एंड इसमें मैं खूब सारा लेमन, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है एंड कितना बारीक एंड कितना क्यूट लग रहा है। इसको आप ठंडे पानी में धो के रखें एंड इसमें जो कड़वापन है वो निकल जाएगा, एंड थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड फ्रिज में रखने से या ठंडे पानी में रखने से ना ये काफ़ी क्रंची भी हो जाता है। ये भी एक्चुअली रेस्टोरेंट्स की ट्रिप है, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो खूबसूरत लच्छा तैयार है। सो ये है अनियन, इसमें हम ऐड करेंगे लेमन, और आप इसमें थोड़ा सा सिलेंट्रो ऐड कर सकते हैं, धनिया, और देना बहुत खूबसूरत लग रहा पंदा सैलड। एंड मैंने ना फ्रेश धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी हम अच्छा जेनरसली लेमन जूस से भर देंगे, इससे ना अनियन थोड़ा पिकल्ड हो जाता है, लाइक सिरके वाले अनियन जैसा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। नाइस हस्बैंड खा लो। रब ने टैलेंट इन्ना कुट कुट के भरिया ना मेरे च कि जो भी करूँ इन्ना वधिया होगा। नेरा बहुत ज़्यादा हो गया गाइस इस बार, एंड हिम्मत बर्थडे से भी 7:00 वापस आएगा।
ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਕੁਲਚਾ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਜੇ ਦੋ ਲੈਣੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਆ ਤੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਲਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦੋ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਆ ਰਿਵਿਊ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿੰਗਾ ਵਿੰਗਾ ਆਇਆ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾਈਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਖਲਾਸ ਵਧੀਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਖਾਇਆ ਸੀ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਕੁਲਚਾ हस्बैंड को खाना सर्व कर दिया है मैंने मेरी टर्न आने वाली है हस्बैंड को अच्छा लगा है हस्बैंड ना भूल जाते हैं उनकी ना मेमोरी गजनी वाली है उनको भूल जाता है कि कितना बढ़िया कुक कर रही हूँ मैं अच्छा है कि मेरे पास वीडियो के रिकॉर्ड्स हैं कि बार बार खोल के दिखा पाऊँ ये देखो हर बार खा के कह रहे इस बार बहुत ही अच्छा बना है बस दे लालम सुन दे तो मैंने आपको बताया था ना कि हिम्मत गया है बर्थडे पार्टी पे जिस लड़के की बर्थडे पार्टी पे गया है उसकी मम्मी का मैसेज आया कि इनको बहुत मज़ा आ रहा है प्लीज़ उसे एक डेढ़ घंटे के लिए और छोड़ दो मैं तो नहीं छोड़ना चाहती हूँ आपको पता मैं टाइगर मॉम हूँ पर हस्बैंड कहना ही कोई बात मैं तो कहने वाली थी कि नहीं बट हस्बैंड ने पुश किया कि रहने दो कोई बात लेट हिम हैव फन सो या अभी हिम्मत को पिक करने के लिए जाएंगे अराउंड 8:30 लगता है ना उसके लिए मेरे पास एक लिंक है कोई डिस्काउंट कोड नहीं है ना ही कोई स्पॉन्सर है पर मैंने ना मेरा अमेजोन पे स्टोर फ्रंट बना लिया है जो भी चीज़ें मैं मेरे घर में यूज़ करती हूँ या जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं जैसे मेरा फूड प्रोसेसर एनीथिंग वो सारे का लिंक मैंने स्टोर फ्रंट में डाल दिया है ताकि अगर आप कुछ लेना चाहें उसमें से आप जाके चूज़ कर सकते हैं सो वो स्टोर फ्रंट अमेजोन स्टोर फ्रंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी ताकि अगर आप मेरे घर में अवेलेबल कोई चीज़ खरीदना चाहें तो आपको आराम से मिल जाए या दैट्स इट ज़रूर से चेक करना अगर आप ये एप्रन खरीदना चाहते हैं या फ्रूट प्रोसेसर खरीदना चाहते हैं या और आलतू फालतू चीज़ों में जो मेरे घर में ऑलरेडी प्यारे दोस्तों सो आज के ब्लॉग के साथ बस इतना ही उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं कुछ बताना चाहते हैं उसको कमेंट बार में छोड़ सकते हैं मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग यू गाइस कैन डू एनी थिंग आई लव यू गाइस सो वेरी मच बाय ओ एंड ऑल्सो मेरी ज्वेलरी को खरीदना बिल्कुल मत भूलें बहुत ही प्यारी है दिस वन एंड दैट्स इट